विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। न्यू ईयर में हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो और हम अपने सारे के सारे गोल्स को पूरा कर पाए। न्यू ईयर एक कॉन्सेप्ट है, एक टूल है कि अपन अपने पुराने अप एंड डाउन्स को भूलकर एक नई स्टार्ट करें, एक फ्रेश स्टार्ट करें। न्यू ईयर एक होप है कि इस साल हम अपने वो सारे ड्रीम्स, अपने सारे गोल्स को पूरा करें। बट एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे लोग सैड हो जाते हैं कि उनके वो गोल्स पूरे नहीं हो पाए। तो इसके लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो और क्या आप फॉलो कर सकते हो कि आने वाला साल जो है वो पिछले पूरे सालों से एकदम डिफरेंट हो। तो ये अगले 5 मिनट आपके इस साल को पूरा चेंज करके रख देंगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू यू हैव टू एनालाइज योर पास्ट ईयर। जब तक आप पास्ट ईयर को एनालाइज नहीं करोगे, आप आने वाले साल को अपने लिए हैप्पी और गोल अचीविंग नहीं बना पाओगे। तो लास्ट ईयर में क्या एनालाइज करना है, पूरे लास्ट ईयर में देखो कि आपने क्या क्या चीजें अचीव करी थी और क्या क्या चीजें आपसे गलत हुई थी या जो आपके लाइफ में गलत हुआ था लास्ट ईयर में। अब आप बोलोगे सर अचीव तो क्या पता हमने कुछ किया है कि नहीं किया है। अरे हर एक छोटी से छोटी चीज, अगर आप एग्जाम में पास हुए हैं तो उसको अचीव करो, अगर आपने किसी की मदद करी है तो वो आप उसमें सक्सेस में डालो, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखी है या कुछ सीखा है, भले वो आपने फेलियर से सीखा हो किसी भी चीज से, अगर आपने कुछ सीखा है तो वो सब क्या हो गया, आपका सक्सेस हो गया। तो सबसे पहले आपको अपने लास्ट ईयर को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी, क्या क्या बुरी चीजें हुई थी। अब अच्छी चीजें हुई थी तो ऐसी कौन सी हैबिट्स है आपकी जिसके कारण वो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हुई, बुरी चीज हुई तो आपकी ऐसी कौन सी हैबिट थी, आपकी ऐसी कौन सी हरकत थी जिसके कारण वो गलत चीज आपकी लाइफ में हुई। जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करोगे, आप अपने आने वाले टाइम को, अपने आने वाले ईयर को अच्छा नहीं बना पाओगे। सेकेंड चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि 99% लोगों को गोल बनाना ही नहीं आता है, या अगर उन्होंने गोल बनाया ना तो उनको एक्जैक्टली नहीं पता होता है कि उनका गोल क्या है। जैसे कई लोग लिख देंगे कि भैया इस साल बहुत सारा पैसा कमाना है, सुबह जल्दी उठना है। भैया ये गोल नहीं है, कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है, कैसे कमाना है, वो गोल होता है। आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका जो गोल्स है उसके बारे में मैं कुछ बातें बता दूं। आपका जो गोल है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को चांद का टुकड़ा चाहिए, भैया रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। कितना ज्यादा कम बोलने से काम नहीं होता भैया, एग्जैक्ट मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल कि भैया मेरे इस साल 200 बच्चे थे, मेरे को अगले साल ऑनलाइन में 1000 बच्चे करने हैं। इट शुड बी मेजरेबल, ओके, एंड अचीवेबल। आपको बिलीव होना चाहिए अपने गोल के ऊपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके गोल को सेटिंग करने के लिए। दूसरी बात, मैंने बोला था कि आपको अपने पास्ट ईयर को एनालाइज करना है, उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप इस साल रियलिस्टिक गोल सेट कर पाएंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो लास्ट ईयर सैनिक स्कूल के मेरे पास 200 ऑनलाइन स्टूडेंट थे, तो मैंने अब इस बार अपना एनालाइज करके बनाया कि भैया इस साल मेरे को 500 स्टूडेंट्स चाहिए। 200 से 500 होना अचीवेबल है, मेरे को बिलीव है तो मैं कर सकता हूं उस चीज को। लास्ट ईयर मैंने क्या क्या अच्छी चीज करी थी, जब मैं ये देखता हूं कि हाँ मैंने इतनी सारी चीज नई नई करी थी तो इस साल भी पॉसिबल है करना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन गया, एक नया कोर्स बना लिया सैनिक स्कूल का, 200 स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर एनरोल किया, मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, वहां पर 80 स्टूडेंट्स मैंने विद इन 4 मंथ्स के अंदर कर लिए। तो ये सारे अचीवमेंट है। आप जब अपने सारे छोटे छोटे को लिखोगे एक पेपर में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप अगर आप एक साल में ये कर सकते हो तो आगे आने वाले साल में भी आप बाकी सारे गोल्स अपने अचीव कर सकते हो। और कितना मेजरेबल रखना है, मेरे को मालूम है कि भैया मेरे फेस टू फेस में अभी 80 बच्चे हुए हैं तो मेरे को अगले साल तक 200 बच्चे करने हैं, मतलब इस ईयर के एंड तक 2022 में। तो मैं एक गोल जो है वो एक प्रॉपर गोल बना सकता हूं, स्पेसिफिक मेजरेबल कि भैया इतना इतना और इतना। तो हर बार याद रखना, अगर आपने बस ऊपर ऊपर से बना दिया कि मेरे को ये बनना है ये करना है, वो गोल्स नहीं होते हैं। तो आपके गोल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रियलिस्टिक, रियल होने चाहिए, एकदम हाइपोथेटिकल आपके गोल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें। और हाँ, लास्ट एक चीज है कि आपका इंटेंशन आपके गोल के ऊपर बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को बुरा बताने के लिए या किसी बुरे इंटेंशन से अपना गोल सेट कर रहे हो, यू विल नॉट सक्सेस। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आप एक प्योर इंटेंशन के साथ अपना गोल बना रहे हो ना, आपकी एनर्जी अलग लेवल पे होगी। और अगर आप किसी नफरत, जेलसी या इस टाइप की गलत भावनाओं को लेकर के अगर अपना गोल बना रहे हो, आपकी एनर्जी कभी भी उतनी टॉप की नहीं हो सकती। और एक और बात है कि टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है कि भैया ये गोल मेरे को इतने तक चाहिए, मेरे को अप्रैल तक ये चाहिए, मई तक ये चाहिए। इट शुड बी टाइम बाउंड, टाइम बॉन्ड के बीच में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपकी गोल्स की। तो अब आप एनालाइज करो, क्या आपने आज तक रियल में गोल सेट किया है? अगर नहीं तो इस साल कीजिए, मैंने जो पॉइंट्स बताया उनसे। और तीसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं ना, कि हम सब बहुत बड़े गजनी हैं, ठीक है, मतलब संजय सिंघानिया है, कि हम भाई भूल जाते हैं, हर चीज को भूल जाते हैं कि भैया हमने क्या गोल था। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आजकल मैं सेमिनार भी करा रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपना गोल लिखते हैं और ज्यादा देर नहीं, एक महीने बाद आप पूछो उनको पता ही नहीं रहेगा उनका गोल क्या था। वो ऊपर ऊपर से बताएंगे बट एग्जैक्टली उनको क्या पाथ फॉलो करना था वो उनको नहीं पता है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक विजन बोर्ड बना के रखो, आपके जो गोल्स हैं उनको अपनी आंखों के सामने एक फोटो बना करके रखो, या एक रूम में जिसमें आप पढ़ते हो वहां पर लगा के रखो, ताकि वो आपकी आंखों के सामने रहे और जब दूसरे भी देखें तो आपको पिंच करें, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उस गोल का।
बस नहीं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरा साल भर एटलीस्ट आपने जो न्यू ईयर में अपने गोल्स बनाए वो साल भर आपके दिमाग में रहे, ताकि कभी भी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपको डिसीजन लेना हो तो आपके लिए बहुत आसान हो। अगर आपके सामने गोल है तो आपको मालूम है भैया कि मेरे को हर समय क्या डिसीजन लेना है, मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि भैया हमेशा अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान रखो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, जितनी डेवलप कर सकते हो, जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपने ऊपर करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो हमेशा आपको रिटर्न देगा। कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल सुनना, एक कहानी सुनना, एक बार एक आदमी एक पेड़ काट रहा होता है लेकिन उसके एक्स में बिल्कुल भी धार नहीं होती, वो काटे जा रहा है सुबह से रात हो गई कट ही नहीं रहा, तो बाजू वाले ने आकर के उसको सलाह दी, देख करके हंसते हुए बोला ठीक है कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, पहले वो अपने एक्स में धार लगा लो उसके बाद काट लेना आराम से कट जाएगा। तो बोलता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है काटने का, उसको शार्प करने का एक्स को, मेरे को पेड़ काटना है जल्द से जल्द। रियली हंसने वाली सिचुएशन है, बट आप और मैं भी जिंदगी भर यही कर रहे हैं, अपन अपने स्किल्स को अपने एक्स को शार्प नहीं कर रहे और वही पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं, वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पढ़ने बैठे हो, अगर आप कोई जॉब करने बैठे हो, अगर आप कोई बिजनेस करने बैठे हो, आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो ताकि आप वही काम कम टाइम में कर पाओ। मैं हमेशा सबको कहता हूं कि यार थोड़ा टाइम निकालो, या तो मेडिटेशन करो या कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज जो मॉर्निंग में आपको ये याद दिलाए हर बार कि आपका आज का दिन किस लिए भगवान ने दिया है, आज का दिन आपको क्या अचीव करना है, आज के दिन आपको क्या क्या करना है। उसके लिए या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या रोज सुबह उठ के प्रार्थना कर सकते हो, या रोज सुबह उठ करके अपने विजन बोर्ड देख करके विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बट ये सब अपन नहीं करते। अपन को लगता है भाई ये सब क्या पुराने जमाने की चीजें हैं। भैया अपन अपने आप को बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न मान लिए, बहुत ज्यादा साइंटिफिक मान लिए। भैया पता क्या है तुमको साइंस के बारे में, बीइंग अ फिजिक्स टीचर मैं नहीं बोल सकता कि मेरे को सब कुछ पता है फिजिक्स के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिक्स या व्हाट डू यू नो अबाउट साइंस। हम बोलते हैं हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम पुरानी चीजों को नहीं मानेंगे, प्रार्थना को नहीं मानेंगे। अरे भैया हो सकता है भगवान एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो, मैं इस बारे में बोल ही नहीं रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बिलीव। हर सुबह आपको अपने ऊपर बिलीव दिलाने के लिए, आपके गोल्स को याद दिलाने के लिए कुछ होना चाहिए, या तो वो प्रेयर हो सकती है, या वो मेडिटेशन हो सकता है, या वो विजुअलाइजेशन हो सकता है, एनीथिंग आप करो रोज सुबह। एक बार ये हैबिट बना के देखो, अगर ये साल आपका एकदम डिफरेंट नहीं रहा तो आप फिर बताना, आप लिटरली बता रहा हूं मैजिक्स होंगे आपके लाइफ में। यू नो आप बोलोगे कि भैया मैं जो जो चाहता था वो सब कुछ हो रहा है। एक बार रोज सुबह अपने ब्रेन को ये गोल्स याद दिला के देखो, या तो विजुअल बोर्ड से, या फिर विजुअलाइजेशन से, या फिर मेडिटेशन से, या फिर प्रेयर से। अगर आपको कुछ नहीं मालूम भैया हनुमान चालीसा पढ़ लो रोज सुबह, हनुमान चालीसा एकदम भैया ऐसे याद कर लो कि देखना ना पड़े, और आंख बंद करके जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो अपने गोल्स को एक बार विजुलाइज कर लो, बस। यू विल नॉट बिलीव इतने मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं और ये मिरेकल्स आपके लाइफ में भी हो सकते हैं अगर मैंने जितनी चीज बताई अगर आप ये फॉलो करें तो। बस यही आज इस न्यू ईयर में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।